नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्चना आपकी दोस्त माइंड हिप्नोटिज्म चैनल के लिए। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेवर अंडरमाइन योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स। कभी भी खुद को या किसी को भी कम मत आंकिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि हम में से सभी लोगों के पास एक्चुअली असीमित शक्ति होती है और हम जो भी हम चाहें, जो भी हम ठान लें, वो हम जरूर हासिल कर सकते हैं। तो कभी भी किसी को देखकर ये अगर भावना आ जाती है कि अरे ये क्या करेगा जीवन में, इस भावना से दोस्तों बचिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कोई आगे चल के क्या कर जाए। बहुत सारे राजा रंक बन जाते हैं और रंक राजा बन जाते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा होते हुए देखा है और सीखा है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करने चली आई। दोस्तों, असफलता तो जीवन का अभिन्न अंग है। अगर जीवन है तो असफलता या फेलियर कभी ना कभी जरूर आएगी। उन्हीं लोगों के पास असफलता नहीं आ सकती जो कभी कुछ प्रयत्न करते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, हम और आप तो उनमें से हैं ही नहीं। अगर आप ये वीडियो, इस तरह के वीडियो देखते हैं, इसका मतलब कि आप मेहनत कश इंसान हैं, आप प्रयत्नशील व्यक्ति हैं और आप अच्छे तरीके की मटेरियल को देखते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपको जरूर आगे अच्छा करने की लगन है। मुझे भी है। दोस्तों, असफल जब होते हैं तो आइए देखें क्या क्या होता है। अगर रात नहीं देखी तो दिन का क्या महत्व, सूर्योदय का क्या महत्व। सनराइज वही अप्रिशिएट कर सकता है जो डार्क नाइट से गुजरा हो, काली रात से गुजरा हो, और रात और भी काली होती जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ती है। लेकिन उसी में अगर हिम्मत ना हारे, अपने में बिलीव करें और ये भी देखें कि इतने लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं ही क्यों नहीं कर पाऊंगा, सबसे पहले तो ये सोचें। उसके बाद अगले स्टेप में ये सोचें, अपने लिए बड़ा लक्ष्य बनाएं, छोटा सा ना बनाएं, बड़ा सा लक्ष्य बनाएं। और उसके सिर्फ लक्ष्य बनाने से तो होगा नहीं, कोई जादू तो है नहीं, बल्कि उसमें पूरा खून पसीना देकर उसको सींचना पड़ेगा। लेकिन जब लक्ष्य बना लेते हैं, जब लक्ष्य पक्का हो, सच में मन से बना हो, तो वी डोंट माइंड वर्किंग द हार्डेस्ट। Actually, we start enjoying working hard. तो अपने में बिलीव रखें और जो असफल नहीं हुआ वो पीड़ा भी नहीं जानता उस असफलता की। तो असफलता इसलिए बेहद जरूरी है, अगर ईश्वर कभी असफल होने का मौका दे तो हमें इसको एक प्रसाद के रूप में लेना चाहिए और खुश होना चाहिए। अच्छा, मैं असफल हो गई, चलिए मैं फिर ट्राई करूंगी, और एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। तो क्या क्या करें, एक अपने में बिलीव करें, दूसरी अपनी अच्छी सी रणनीति बनाएं या स्ट्रेटजी बनाएं, बढ़िया प्लानिंग करें, उसके रियलिस्टिक स्टेप्स बनाएं, छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं और उसको करते चलें। इसके बाद अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग करें, क्या क्या हमने प्लान किया था, क्या क्या हो गया और क्या क्या बचा है। उससे भी प्रेरणा मिलेगी, जब हम देखेंगे 10 में से 4 स्टेप हो गए हैं तो हमको लगेगा जैसे ये 4 कर लिए वैसे आगे के 6 भी हो ही जाएंगे। इसके अलावा अच्छे गुरु का चुनाव करें, ऐसे व्यक्ति जो उस क्षेत्र में बड़े हों, जिनको आता हो, जो ईमानदार हों, जो अच्छे शिष्य चाहते हों और हमारे प्रति भी समर्पित हों अगर हमें कुछ सीखना है। इसी प्रकार हम जिसके गुरु हैं उसके लिए भी पूरी ईमानदारी से अपनी मेंटरशिप देनी चाहिए और किसी को ग्रो करने में अपना योगदान देकर खुश होना चाहिए। कोई एहसान नहीं सोचना चाहिए हम कर रहे हैं, बल्कि खुश होना चाहिए कि हमें ऐसा करने का मौका मिला। इसके अलावा जो आलोचना करें वो अगर टांकेचाई में कर रहे हैं तो इग्नोर करें, देखें ही ना। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कुछ बता रहा हो, तो ना सिर्फ कि वो सुने समझें, उसे इम्प्लीमेंट करें, बल्कि आभारी भी हों। दोस्तों, ये सब कीजिए और कभी भी ये मत सोचिए किसी के भी बारे में कि अरे ये क्या करेगा, बल्कि ये सोचिए भी और बोलिए भी कि मुझे लगता है कि आप कर लेंगे।
और अपने बारे में तो सबसे पहले ही ऐसा करें। इसके लिए अपने लक्ष्य को बार बार रिपीट करें, उसको अवचेतन मन में भेजने की कोशिश करें। रात को सोने जाने से पहले उसके बारे में सोच के सोएं, स्ट्रेस ना लें, लेकिन लक्ष्य के बारे में सोच के सोएं। जो सामने करना हो उसी के बारे में सोचें, फालतू ये मत सोचें कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या सोच रहा है, किस पर क्या असर होगा। किसी पर शक ना करें और जो हम पे शक कर रहा है उसे करने दें। अगर अपने लक्ष्य पे केंद्रित रखेंगे अपना ध्यान तो हमें हर कुछ मिलेगा। और दूसरों को भी एम्पावर करना चाहिए। जब हमारे योगदान से कोई कुछ करता है तो सच पूछें तो उसकी सफलता हमारी भी सफलता होती है। फ्रेंड्स, मैंने एक शिक्षिका होने के नाते ये बहुत बार, अनगिनत बार महसूस किया है। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।